एक पुलिस कांस्टेबल और एक सिंगर जिन्होंने दिया था रियलिटी शो में एक ऑडिशन, और ना केवल दिया ऑडिशन बल्कि उस शो को जीत भी लिया, और जाने अनजाने में अपने ही क्षेत्र की पॉलिटिक्स का कर दिया तख्ता पलट। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा हो चुका है। नमस्कार, आप सभी का द कॉर्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रियलिटी शो विनर की जिन्होंने दार्जिलिंग की राजनीति में बिना पैर रखे ही वहां की सत्ता को पलट दिया। जी हां, हम बात करेंगे इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर प्रशांत तामंग की। सन 2007 में वो एक ऐसा दौर था जब एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट को इतना प्यार मिलना, इतना फेम मिलना और इतनी सक्सेस मिलना मात्र एक कल्पना ही हुआ करती थी। लेकिन प्रशांत तामंग को यह सब कुछ मिला था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी स्टारडम खो गई? मीडिया में हरदम बने रहने वाले चेहरे का एक साथ ऐसा क्या हो जाना कि वो टीवी पर बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देने लगते हैं? आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। प्रशांत तामंग का जन्म 4 जनवरी 1983 में दार्जिलिंग में हुआ था। 2007 का इंडियन आइडल सीजन 3 उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां से उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो एक आम आदमी सिर्फ ख्वाबों में सोच सकता है। लेकिन प्रशांत तामंग कोई ट्रेंड सिंगर नहीं थे। शो के जजेस भी यही बात करते हैं कि उनकी आवाज में कुछ नयापन है, जिस वजह से उन्हें ऑडिशन राउंड में सेलेक्ट कर लिया जाता है, और देखते ही देखते उन्हें भारत के सभी नेपाली भाषियों से और नेपाल, भूटान और कई देशों से भी प्यार मिलने लगता है। प्रशांत तामंग सेंट रॉबर्ट स्कूल के स्टूडेंट थे, लेकिन उनके पिता मदन तामंग के देहांत हो जाने के बाद प्रशांत तामंग को स्कूल छोड़ना पड़ता है, और वो अपने पिता की पोस्ट पर वेस्ट बंगाल पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम करने लगते हैं, और वहीं वे कोलकाता पुलिस के ऑर्केस्ट्रा में गाने लगते हैं। उस वक्त उनके सीनियर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जुल्फिकार हसन और कुछ दोस्तों के कहने पर प्रशांत तामंग इंडियन आइडल के कोलकाता ऑडिशन में जाते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, और फिर शुरू होती है वोट्स की बारिश। इंडियन आइडल के हर एपिसोड में उन्हें इतने वोट्स मिलते हैं कि वे पूरे गाला राउंड में कभी भी बॉटम 3 या 4 में नहीं आते। धीरे धीरे फिनाले आता है और उनका मुकाबला होता है शिलोंग के अमित पॉल के साथ। 2 फाइनलिस्ट, इंडियन आइडल का फिनाले। लेकिन टक्कर कांटे की नहीं होती। अमित पॉल के मुकाबले प्रशांत तामंग को 10 गुना ज्यादा वोट मिलते हैं। उनके वोट्स की संख्या 7 करोड़ बताई जाती है, जो कि उस वक्त के हिसाब से किसी भी रियलिटी शो के लिए अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बन जाता है। सीजन 3 इंडियन आइडल के विजेता को इनाम में 1 करोड़ रुपए और मारुति सुजुकी SX4 मिलती है, और मिलता है सोनी म्यूजिक कंपनी के साथ एक सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट, और वे रिलीज करते हैं अपनी डेब्यू एल्बम धन्यवाद। तो सिंगिंग रियलिटी शो का एक ऐसा विनर जिसने कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, क्या उनकी आवाज इतनी जादुई थी? इतने साल बीत जाने के बाद उनकी आवाज के बारे में अब आपके क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आखिर कैसे बने प्रशांत तामंग इतने पॉपुलर? ऐसा क्या था उनमें कि पूरे इंडियन आइडल के दौरान उनके ऊपर वोटों की वर्षा होती रहती, जिस कारण उनके सभी कंटेस्टेंट उनसे कोसों दूर पीछे छूट जाते हैं? हमने रिसर्च की और ये जाना कि प्रशांत तामंग सिर्फ सिंगिंग रियलिटी शो में भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि वे समस्त नेपाली भाषी गोरखा कम्युनिटी को नेशनल टेलीविजन में रिप्रेजेंट कर रहे थे। आजकल रियलिटी शोज बहुत ज्यादा हैं। नेपाली भाषी कम्युनिटी के लोगों ने ऐसे कई शोज में भाग लेकर गोरखाओं का नाम ऊंचा किया है,
और ये किस्सा हर कम्युनिटी के साथ है। लेकिन उस वक्त में इतने बड़े पैमाने पर ऐसा होना एक बहुत ही बड़ी बात थी। वो एक ऐसा दौर था जब लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, एसएमएस वोटिंग सिस्टम का जमाना था, या फिर मशीन आंसर्ड कॉल्स हुआ करती थी जो कि अक्सर लोग लैंडलाइन के थ्रू किया करते थे। हर एसएमएस वोट के चार्जेस लगते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जो कि 13 सितंबर 2007 को पब्लिश की गई थी, उसमें लिखा गया है कि प्रशांत के लिए दार्जिलिंग रीजन के हर घर में घर घर जाकर वोट्स के लिए अपील की जाती थी। यहां तक कि वोट्स के लिए डोनेशन भी लिए जाते थे। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कर्शियोंग, सिक्किम, मिरिक और कोलकाता जैसी जगहों पर प्रशांत तामंग के लिए ढेर सारी सपोर्ट रैलियां निकाली जाती हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, विभिन्न गांव बस्तियों में रेसिडेंशियल सोसाइटीज में वोटिंग कैंप सेटअप किए जाते हैं और फंड्स भी कलेक्ट किए जाते हैं। पड़ोसी देश नेपाल और भूटान के लोग भी भारी मात्रा में वोट्स के लिए डोनेशन देते हैं। विदेश जैसे कि ब्रुनेई, हांगकांग, यूएई, यूके इत्यादि में काम कर रहे नेपाली भाषी लोग भी प्रशांत को जिताने के लिए पैसे डोनेट करते हैं। नौकरी कर रहे कई लोग अपनी अपनी सैलरीज का कुछ भाग प्रशांत तामंग को वोट देने के लिए फंडिंग करते हैं। नेपाल के पोखरा के रेडियो अन्नपूर्णा 93.4 FM के द्वारा प्रशांत के सपोर्ट में कैंपेनिंग की जाती है और लगभग 70,000 नेपाली रुपए वोटिंग के लिए दार्जिलिंग भेजे जाते हैं। एक नेपाली न्यूज़पेपर हिमालय दर्पण के द्वारा कोलकाता में प्रशांत के लिए एक बड़ा सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाता है और प्रशांत को पहाड़ का गौरव यानी कि प्राइड ऑफ द हिल्स का टाइटल दिया जाता है। सिक्किम के दो कैबिनेट मिनिस्टर्स जीएम गुरुंग और एसबी सुबेदी द्वारा सिंगताम में ट्री सैपलिंग्स प्लांट करके ये दर्शाया जाता है कि सिक्किम की जनता प्रशांत तामंग के साथ है। सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भी हिमालय दर्पण के थ्रू ये ऐलान करते हैं कि वे प्रशांत के लिए किसी भी सरकार से ज्यादा सपोर्ट देंगे। एक रियलिटी टीवी शो कंटेस्टेंट को इतना सपोर्ट मिलना कोई आम बात नहीं है। दार्जिलिंग के कुछ लोगों का कहना है कि अक्सर वहां के लोगों में पॉलिटिकल रीजंस के कारण एकता भंग हो जाती है और प्रशांत तामंग वो एक रीजन थे जिन्होंने पूरे विश्व के नेपाली भाषी लोगों को एक कर दिया था। खैर, इंडियन आइडल की TRP उस वक्त बढ़ती जाती है। प्रशांत के होम टाउन में हर एपिसोड एक फेस्टिवल की तरह समझा जाता है जिसे कोई मिस नहीं करना चाहता और लोग प्रशांत में एक आशा की किरण देखने लग जाते हैं जो कि बरसों से चली आ रही भारतीय गोरखाओं के प्रति होने वाली आइडेंटिटी क्राइसिस को मिटा सकेगी। और इसी दौरान एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो सिलीगुड़ी में वायलेंट क्लैश का नतीजा बन जाता है। दिल्ली के रेड एफएम के रेडियो जॉकी जॉनथन ब्राडी AKA आरजे नितिन ब्रॉडकास्टिंग के दौरान गोरखा कम्युनिटी को लेकर एक आपत्तिजनक कमेंट करते हैं। वे कहते हैं कि दुकानदारों को अब अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स खुद करनी पड़ेगी क्योंकि गोरखा कम्युनिटी के लोगों ने अपना प्रोफेशन बदलकर गाना गाना शुरू कर दिया और ये सच में अपमानजनक और रेसिस्ट कमेंट। इस कमेंट का घोर विरोध होने लगता है और सिलीगुड़ी में प्रदर्शनकारी और लोकल रेसिडेंट्स के बीच वायलेंट क्लैशेस देखने को मिलते हैं। प्रशांत तामंग के फैन क्लब द्वारा तत्कालीन यूनियन मिनिस्टर प्रियरंजन दास मुंशी और होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल को एक लेटर फैक्स किया जाता है इन्फॉर्मिंग अबाउट द रेसिस्ट कमेंट मेड बाय द आरजे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री रेड एफएम को शो कॉज नोटिस देती है जिस पर 29 सितंबर 2007 को रेड एफएम एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट जारी करती है।
रेडियो द्वारा कहा जाता है कि वे शुरुआत से ही प्रशांत तामंग की इंडियन आइडल जर्नी को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, और उनके द्वारा जो बात रेडियो में कही गई वो इंटेंशनली नहीं कही गई थी। लेकिन अगर किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो वे माफी मांगते हैं। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि प्रशांत तामंग ने दार्जिलिंग की राजनीति को भी जाने अनजाने में बदल दिया था। आइए जानते हैं कैसे। यहां सबसे अहम जिक्र होगा बिमल गुरुंग का, जो कि उस वक्त दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के काउंसिलर थे। वे प्रशांत तामंग के लिए कई सक्सेसफुल कैंपेन्स की शुरुआत करते हैं। इस वोटिंग कैंपेन की बदौलत ही लोग बिमल गुरुंग का नाम भी हर रोज सुनने लगते हैं। लेकिन तब तक कोई ये नहीं जानता था कि बिमल गुरुंग दार्जिलिंग की राजनीति में एक बड़ा नाम बन जाएंगे। आम जनता डीजीएससी के चेयरमैन सुभाष घिसिंग से नाराज होने लगती है, क्योंकि उनकी तरफ से प्रशांत के लिए कुछ भी नहीं कहा जाता। हालांकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीएनएलएफ जरूर प्रशांत के लिए कई कैंपेन्स चलाती है, लेकिन लोग चाहते थे कि दार्जिलिंग के सबसे बड़े नेता सुभाष घिसिंग भी प्रशांत तामंग के लिए कुछ कहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है बिमल गुरुंग को। बढ़ते सपोर्ट के कारण बिमल गुरुंग घिसिंग का कैंप छोड़कर एक नई पॉलिटिकल पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का गठन करते हैं। दूसरी तरफ सुभाष की कंसिस्टेंट सिक्स्थ शेड्यूल की मांग जारी रहती है, जिसे आम जनता पसंद नहीं करती, और अल्टीमेटली फायदा होता है बिमल गुरुंग को एक मास सपोर्ट प्राप्त करने में। और फिर शुरुआत होती है जीजेएम पार्टी यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की लीडरशिप में गोरखालैंड मूवमेंट की। सुभाष घिसिंग को डीजीएससी से रिजाइन करना पड़ जाता है। वैसे सुभाष घिसिंग के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो है लेगेसी ऑफ सुभाष घिसिंग, जिसे आप ऊपर दिए गए कार्ड में जाकर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। प्रशांत तामंग ने बेशक डायरेक्टली राजनीति में हाथ न दिया हो, लेकिन ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि उनको मिलने वाले सपोर्ट को एक रीजनल नेता ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जड़ बना लिया। खैर, इंडियन आइडल 3 के विजेता बनने के बाद प्रशांत तामंग अपनी डेब्यू एल्बम धन्यवाद को रिलीज करते हैं। उसके बाद उन्हें देश विदेश में काफी सारे शोज करने का मौका मिलता है, और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाने का मौका भी। उनकी नेपाली एल्बम नमस्ते नेपाली म्यूजिक इंडस्ट्री में नंबर 1 तक पहुंच जाती है। 2010 में वे नेपाली फिल्म गोरखा पलटन से एक्टिंग में डेब्यू करते हैं, जो नेपाली बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल रहती है। इस फिल्म में वे गाने भी गाते हैं। 31 मार्च 2011 को अंगालो यो माया को, जिसे सिक्किम में प्रोड्यूस किया जाता है, रिलीज होती है। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्म्स रिलीज होती हैं, जिनके नाम हैं कीना मायामा, निशानी, परदेसी और ये माया हानेमा। फिल्म परदेसी नेपाली इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर साबित होती है। नेपाली फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के इनिशियल फेजेस में प्रशांत तामंग को काफी सक्सेस मिलती है। वो इतने सक्सेसफुल रहते हैं कि 2011 टूरिज्म ईयर के नेपाल गवर्नमेंट उन्हें ब्रांड एम्बेसडर तक घोषित कर देती है। यह थी उनकी सक्सेस स्टोरी। लेकिन प्रशांत तामंग अपनी इस सक्सेस को ज्यादा वक्त तक मेंटेन नहीं कर पाते। जिंदगी पहले कभी इतनी हंसी कहां, रात तो गुजर गई है आ गई सुबह। यह है प्रशांत तामंग का गाना। रात तो गुजर गई थी, सुबह भी आ गई थी, लेकिन दिन का क्या। यहां तक थी उनकी सक्सेस स्टोरी, पर प्रशांत तामंग अपने स्टारडम और सक्सेस को ज्यादा वक्त तक मेंटेन नहीं कर पाते। उनकी आखिरी फिल्म 2016 में आती है, और उसके बाद वो मीडिया, टीवी शोज, मूवीज से गायब ही हो जाते। 2021 में उनका एक गाना
अविनाश गिसिंग और सुबानी मुक्तान के साथ रिलीज होता है कैटा कैटा काठमांडू, जिसे लोगों द्वारा उतना पसंद नहीं किया जाता। नागालैंड के ईस्टर्न मिरर को 2022 में वे एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में परदेसी 2 फिल्म का जिक्र करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो फिल्म्स और म्यूजिक इंडस्ट्री से ही गायब हो जाते हैं? आज उन्हीं के होम टाउन में यानी कि दार्जिलिंग में जब उनके बारे में जिक्र किया जाता है तो अधिकतम लोग नाखुश हो जाते हैं। पहले इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट, फिर अचानक ऐसा बर्ताव क्यों? दरअसल इंडियन आइडल को जीतने के बाद भारतीय गोरखाओं ने प्रशांत तामंग से बड़ी बड़ी उम्मीदें जोड़ ली थी। उन्हें लगने लगा था कि प्रशांत अब बॉलीवुड में अपना करियर बनाएंगे जिससे कि गोरखाओं का नाम और ऊंचा होगा। प्रशांत मुंबई तो जरूर जाते हैं लेकिन अपने करियर के लिए वो काठमांडू को चुनते हैं और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देखते हैं, जिस वजह से अधिकतम भारतीय गोरखा जिन्होंने भारी मात्रा में उन्हें वोट्स दिए थे वो सभी नाराज हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके लिए सपोर्ट कम होने लग जाता है। उनका नेपाली इंडस्ट्री को चुनना, नेपाली फिल्म इंडस्ट्री को चुनना, नेपाली म्यूजिक इंडस्ट्री को चुनना उनका निजी फैसला था जिसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। प्रशांत कहते हैं कि उन्हें इंडियन आइडल के बाद कई चैलेंजेस फेस करने पड़े और उनमें से एक चैलेंज था हिंदी भाषा को लेकर उनके प्रोनंसिएशंस, जिसे वो आज तक इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी एक कारण रहा जिस वजह से उन्होंने बॉलीवुड और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना सही नहीं समझा। इंटरव्यू में वे ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां करियर बनाना जिंदगी भर स्ट्रगल करने के बराबर होता है। प्रशांत बताते हैं कि जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनके लिए वो हमेशा आभारी है क्योंकि उन्होंने उनके सिंगिंग टैलेंट की सराहना की, लेकिन वे अपने एक्टिंग पर भी काम करना चाहते हैं और शायद लोग उन्हें एक सिंगर के रूप में देखना चाहते थे ना कि एक्टर के रूप में, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि उनका फेम धीरे धीरे नीचे गिर गया। खैर, ये थी प्रशांत तामंग की कहानी। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। क्या एक आम इंसान, एक पुलिस कांस्टेबल जिसे गाने गाना भी पसंद था, वो अपनी पूरी कम्युनिटी को, उसके भार को संभाल सकते थे? क्या किसी ने इस बात को सोचा कि उन पर जिस तरह की बड़ी बड़ी उम्मीदें लोग द्वारा लगाई जा रही थी वो मेंटली इन सब जिम्मेदारियों को संभाल पाएंगे? प्रशांत तामंग को भारी मात्रा में वोट देकर जिताना क्या सच में उनके सिंगिंग टैलेंट के लिए था या सिर्फ अपनी जाति को जिताने के लिए? और अगर सिर्फ जाति को फेवर करके वोट दिया जाए तो फिर एक सिंगिंग रियलिटी शो का क्या महत्व रह जाएगा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडियन आइडल में प्रशांत की सिंगिंग सही नहीं थी, ना ही हम किसी और कंटेस्टेंट को उनसे बेहतर बता रहे हैं, लेकिन अगर सच में उन्हें उनके टैलेंट के लिए वोट दिया गया था तो आज उनके प्रति लोगों के दिलों में पॉपुलैरिटी कम क्यों होने लगी? गौर कीजिए इस बात पर। वजह चाहे कुछ भी हो सकती है लेकिन आज प्रशांत तामंग फेम, स्टारडम और सक्सेस से काफी दूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके चाहने वाले उनकी स्ट्रांग कमबैक की उम्मीद भी करते हैं जो शायद आने वाले दिनों में हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कमबैक नजर नहीं आ रहा है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उत्तर बंगाल और सिक्किम से जुड़ी ऐसी कई कहानियों को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।